अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ हैं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल है न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ ट्रीची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को।
यूँ समझ लें कि बहुत सारे प्रोजेक्ट या बहुत सारी डेवलपमेंट या बहुत सारी सोच जो है इन फ्यूचर और जो हो रहा है उसकी एक बहुत ही शॉर्ट समरी, कि किसी को भी अंदाज़ा हो जाए कि क्या ग्रोथ हो रही है, क्या ग्रोथ होने वाली है और क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है और क्या अचीवमेंट होने वाली है। पूरी दुनिया समझ चुकी है कि इंडिया ने कहाँ पहुँचना है आने वाले 25 साल में। जो इस वक्त जुड़ गए, मतलब मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि थोड़ा टाइम और गुज़रे फिर इंडिया ने मुंह भी नहीं लगाना, फिर मुआहदे ही नहीं होने, फिर जो कंट्रीज़ जो कहेंगे कि हम आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर उनको टाटा बाय बाय हो जाएगा। कि जो इस वक्त इंटर हो गए, इंडिया के साथ कोलैबोरेशन कर लिया तो कर लिया, आने वाले वक्त में शायद, मैं आपको सच बता रहा हूँ, शायद अभी एक वीडियो में मैं सुन भी रहा था कि बहुत सारे लोग वापस इंडिया आ रहे हैं, बाकायदा उन्हें वो सैलरियाँ मिल रही हैं या वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में उन्हें जॉब करने में मिलती थी, तो अब बाकायदा लोग रिटर्न हो रहे हैं। और फिर कहीं ना कहीं लोग, अगर फ़र्ज़ करते हैं कि बाहर अगर किसी को 1 लाख रुपये सैलरी मिल रही है और इंडिया में अगर किसी तरीके से अब हालात बेहतर हो गए हैं, टेक्निकल डिपार्ट हो गया या IT डिपार्ट हो गया, अगर उन्हें 70-80 हज़ार रुपये भी मिल रहे हैं, तो वो कहेंगे हमारा भारत, हमारा इंडिया में होना, परिवार के साथ होना ज़्यादा बेहतर है, हम अपने ही कंट्री को ज़्यादा ग्रोथ दें वो ज़्यादा बेहतर है। तो लोग रिटर्न हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 25 साल की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, 25 साल बाद बाकायदा लोग यहाँ के जॉब कर रहे होंगे, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं यार इंडिया में जाके जॉब करें, हमारी आने वाली ज़िंदगियाँ बेहतर हों। तो मैं सोचता हूँ कि अब भी इस वक्त मैं अक्सर, मतलब कि इस तरीके से एक बराबर में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतना एक डेवलप देश बनता जा रहा है हमारे बिल्कुल पड़ोस में, तो इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ है कि यहाँ के लोग भी फ़ायदा उठा सकते थे अगर हालात बेहतर हो जाएं, मामलात आने जाने के हो जाएं, बिल्कुल दोस्तियाँ हो जाएं, तो यकीन करें यहाँ के लोगों का बहुत फ़ायदा है। हम एक आम ज़िंदगी में भी मिसाल देखते हैं कि लड़ाई नुकसान, दोस्ती फ़ायदा, लड़ाई नुकसान, तो फिर ये बात हमें कंट्रीज लेवल पे क्यों नहीं समझ आ रही। मतलब हमें अपर लेवल पे दो कंट्री, दो देशों के दरमियान में अगर हम कश्मकश में ही रहेंगे तो ज़िंदगी भर हम तो बर्बाद हो ही गए। उन्होंने इस लड़ाई को साइड पे रखा और आगे देखो डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो आज मैं समझता हूँ कि आज भी अगर हालात बेहतर हो जाए तो यहाँ के लोगों का फ़ायदा बहुत है, बहुत है। अब हमें इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया को इंडिया की ज़रूरत है, पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, पूरी दुनिया इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट कर रही है, इस्लामिक देश भी, यूरोपीय देश भी, सारे देश। तो ये एक बेहतरीन किस्म की समरी के रेलवे का निज़ाम हो गया, एयरपोर्ट्स का निज़ाम हो गया, एनर्जी का सिस्टम हो गया, मतलब यूँ समझ लें कि कोई भी डिपार्ट नहीं छोड़ा और अपने ही कंट्री में डेवलपमेंट के हवाले से कोने कोने में प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, हर जगह पर कनेक्टिविटी का फोकस है कि हर पूरा शहर, पूरा कंट्री जो है वो कहीं पर भी कोई भी लोग शहर से, कंट्री से, दूसरे शहरों से जुड़े हुए ना हो, ऐसा ना हो, हर शख्स पूरे कंट्री से जुड़ा हुआ हो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल बिछाया जा रहा है ताकि शहर, कंट्री के तमाम लोगों का फ़ायदा हो, कंट्री के तमाम लोग ग्रोथ करें। होता ये है कि कुछ शहरों में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही होती है, दुनिया देखती है, पिक्चर्स बनती है, फ़ोटो सेशन होते हैं, इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर हर जगह पर ये चीज़ हो रही है, यहाँ पर हर जगह पर डेवलपमेंट हो रही है, ये होते हैं अपने कंट्रीज़ के आवाम का बेनिफिट होना, अपने कंट्रीज़ के आवाम का फ़ायदा होना, ना कि अपना फ़ायदा होना, ना कि अपनी पब्लिसिटी होना। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।